नमस्कार, सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं सोनू देव। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिटी एवेन्यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ये एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज और एक बेहतर शहर बनाने की कार्य कर रही है। अभी जो हम लोग वीडियो में लाइव देख रहे हैं, सिटी एवेन्यू कंपनी का CEO श्री अमरनाथ मिश्रा सर जी हैं, जो लोगों को किस प्रकार मान सम्मान बढ़ाने की कार्य कर रहे हैं। ये सिटी एवेन्यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करती क्या है, इसका विशेष जानकारी हम जानेंगे इस लाइव वीडियो के बाद, कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद। चलते हैं लाइव। आदेश है, उस आदेश का पालन हम करें, फिर से हम कष्ट देंगे अपने कंपनी CEO श्री अमरनाथ मिश्रा जी का, जो इनका कार्य जीवन के रूप में स्वागत करेंगे। हेलो, मैं अपने टीम से आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, ये केवल मेरे अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये आप सभी का मेहनत और मेरा लगन का अचीवमेंट है। तो आप सभी लोग हमारे साथ मंच पे आ जाएं। जो भी है, अमरनाथ सर, गंगा सर, हरकृष्ण सर और छपरा से आए अर्जुन सर, हरिओम सर, सभी लोग आ जाए, क्योंकि एक साथ में सभी लोगों का नाम ले पाऊंगा। हैदर सर, राजू भगवान सर, बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, इस तरह का। देख रहे हैं कि टीम के अंदर क्या जोश और जुनून है ना। अब मैं जी, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। आज जो प्रोग्राम हो रहा है जी, ये किस तरह का प्रोग्राम था और क्या मैसेज जा रहा है? सर, ये हमारे सिटी एवेन्यू कंपनी का प्रोग्राम था, इसी के लिए सारे हमारे एसोसिएट वगैरह जितने लोग थे सबको बुलाया गया था, और उसी के माध्यम में सिटी एवेन्यू का ये बड़का गांव बहुलिया जो हम लोग प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, उसी के बारे में सबको बताना था और सबको दिखाना था। दूसरा साइड हमारा दाऊदपुर जो लंच कर रहा है, उसी की लंचिंग प्लानिंग भी थी। ये हमारी सिटी बनी बहुलिया जो कंपनी है, या कोई भी साइट जो खुल रहा है, ये हमारे कस्टमर को विशेष रूप से वहाँ सुविधा दिया जाता है। ये सारे एक तरह से कैंपस के अंदर होगा, वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं होगी, जितनी भी वहाँ 60 फीट, 40 फीट, 30 फीट इस तरह की रोड का, डेल लाइट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ से वहाँ, इसीलिए एक टाउनशिप का हम लोग उस तरह से आविष्कार कर रहे हैं, जिसमें जो भी वहाँ जाएंगे रहेंगे, एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छे वहाँ पे इन्वायरमेंट रहेगा, सबके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसी के लिए उस अपनी साइट को डेवलप किया जाता है और सबको बताने के लिए हम लोग यहाँ इस प्रोग्राम को रखते हैं। अच्छा, जो लोग सर लेने के लिए सक्षम नहीं है जी, रोड साइड में, जैसे हाईवे रोड साइड में है जी, यहाँ पर पटना छपरा वाला रोड में जी, उनके लिए किस प्रकार के असुविधा? सर, हम लोग के लिए मान लीजिए जिनके पास उन लोगों की सुविधा इस तरह की नहीं है, उनको हम लोग बुकिंग चार्ज 25% रखे हुए हैं, 25% बुकिंग चार्ज ले लेते हैं, ज़मीन उनके नाम से बुक कर दी जाती है और 5 साल तक, 1 साल लेकर बिना इंटरेस्ट के
पाँच साल तक ईएमआई का प्लान दे दिए, वो थोड़ी थोड़ी रुपये देकर पाँच साल में फिर अपना रजिस्ट्री करा लेते हैं, फिर अपने साइट को अपने हैंड ओवर में लेकर अपने हिसाब से वो काम करें। इसीलिए उनकी हर छोटे बड़े आदमी की वहाँ सुविधा रखी, छोटा प्लॉट भी रखा गया है, बड़ा प्लॉट है, हर तरह की प्लॉटें हैं, हर तरह की हर तबके के लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। अच्छा, इसे जैसे कि जो ज़मीन जो लेंगे जी, उसमें बहुत लोगों के सस्पेंस बना रहता है जी कि रजिस्ट्री परफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी ज़मीन जो ज़मींदार हैं उनसे ले लिए हैं कि नहीं ले लिए हैं, किस प्रकार से प्रभावित होगा? जी सर, सबसे पहले हमारी कंपनी की विशेषता है कि कंपनी किसान से स्वयं रजिस्ट्री लेती है और रजिस्ट्री लेने के बाद कस्टमर को रजिस्ट्री देती है। ये नहीं कि हम एग्रीमेंट लिए हैं और रजिस्ट्री कर दें, उस तरह के काम नहीं करते। किसान से पहले रजिस्ट्री लिया जाता है, फिर किसान को रजिस्ट्री दिया जाता है। और एक और सर प्रश्न है कि आज के दौर में ज़मीनें काफ़ी महंगा मिल रही है जी, लेकिन आपके जो कंपनी सर, कंपनी क्या नाम बताएं? सिटी एवेन्यू जो है जी, बहुत ही मिनिमम रेट में जी, बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर फुट दे रही है जी, इसके पीछे सर क्या? सर इसके पीछे है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे और बड़े जो भी तबके के लोग हमारे सोसाइटी में आए और हमारे सोसाइटी से जुटे, क्योंकि मान लीजिए छोटे और की संख्या ज़्यादा होती है, वो लोग सस्ते रेट में देंगे तो वो लोग हमारे पास आएंगे, और जब हमसे जुटेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे कंपनी के फिर महंगे रेट वाले जहाँ ज़मीन होगी वहाँ खुद लेंगे। इसीलिए उनकी व्यवस्था हमारी कंपनी बना कर रखी है। सर एक बार परिचय दे दीजिए। हम अमरनाथ मिश्रा, सिटी एवेन्यू का CEO CII। आज जो प्रोग्राम हुआ क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज प्रोग्राम हुआ बहुरिया सिटी के लिए, सिटी एवेन्यू कंपनी है जो बहुरिया सिटी चला रहे हैं खुर्शेद भाई, इसमें हम लोग जोरदार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे मेहनत करते ही रहेंगे। रह गया सवाल बेचने के लिए, इसमें 50% फर्स्ट फेज में 90% बिक्री हो गया है, बेचा गया है। इसमें और जितने एसोसिएट हैं या काम करने वाले हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, जोर तोर से मेहनत कर रहे हैं, और एक साइड हम लोग और दाऊदपुर में चालू हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जी, वो लोग आपके कंपनी से ज़मीन आखिर क्यों नहीं, क्या उन लोगों को फैसिलिटी मिलेगी? फैसिलिटी देखिए, फैसिलिटी हर साइड से अच्छा फैसिलिटीज हमारे साइड पे है। क्या हॉस्पिटल है आपके साइड में? हॉस्पिटल है, ग्राउंड खेलने के लिए, ग्राउंड भी है, पढ़ने के लिए स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज के लिए उसमें ज़मीन है, तो तमाम चीज़ें फैसिलिटीज है, तमाम चीज़ें हैं जी। शहर हो गया, शहर बसेगा ही, शहर ही आप लोग शहर बसाने काम कर रहे हैं, टाउनशिप जी, टाउनशिप बना रहे हैं, टाउनशिप सुबहान अहमद घर तेतरिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।